अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आज हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइपोग्राफी। देखिए, टाइपोग्राफी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा ट्रेंड आजकल मार्केट में मौजूद है। एडोबी स्टेट के अंदर टाइपोग्राफी हम करेंगे। टाइपोग्राफी के मीनिंग्स या डेफिनेशन अगर मैं थोड़ी सी आसान लफ्जों में बताना चाहूँ तो कुछ इस तरह होती है कि अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट, जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं उसकी अरेंजमेंट किस अंदाज में आप कर रहे हैं, मीनिंगफुल वो टेक्स्ट बनाना। पाकिस्तान जिंदाबाद के उसको कोई भी शख्स बआसानी रीड कर सके विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट की मदद से रीड करना और इमेज की मदद से रीड करना, दोनों बातों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो टाइपोग्राफी एक तो होता है सीधी सीधी लाइन लिख लेना, और एक होता है इसी को थोड़ा सा घुमा फिरा के, अरेंज करके, टेढ़ा मेढ़ा किसी शेप के अंदर वगैरह वगैरह डिफरेंट एंगल्स इसका इस्तेमाल करना, टाइपोग्राफी कहलाता है। तो बेसिक टाइपोग्राफी हम लोग आज स्टार्ट लेते हैं, उसके बाद एक दो क्लास और टाइपोग्राफी की ले लूँगा मैं, इसमें और इंशाल्लाह फर्दर कॉन्सेप्ट जो अच्छे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं एक लाइन लिखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू राइट हियर लाइन विच इज ओके, ट्राई टू इंक्रीज द साइज ऑफ आवर टेक्स्ट। ये मेरा टेक्स्ट मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कर लेते हैं 60। ओके, नाउ हम लिख रहे हैं एस यू डबल सी ई एस, सक्सेस इज डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट लेटर ऑफ, नो, सक्सेस इज डिपेंड ऑन द सेकेंड लेटर ऑफ सक्सेस। ये लाइन समझ में आ रही है आप लोगों को क्या? नहीं, ज़रा पढ़ें इसको, ज़रा तसल्ली से समझ में आएगा इंशाल्लाह। लिखा हुआ है कामयाबी डिपेंड करती है, निसार करती है दूसरे लफ्ज पर, किसके? सक्सेस के। दोबारा से पढ़ के सुना रहा हूँ, देखिएगा, जूम आउट करते हैं। सक्सेस इट डिपेंड्स ऑन द सेकेंड लेटर ऑफ सक्सेस, कामयाबी टोटली निसार करती है सक्सेस के आने वाले दूसरे लेटर पर। तो ये तो पूरा होता है एक वर्ड एस यू डब्ल सी ई डब्ल एस, ये वर्ड कहलाएगा, और इसके लेटर्स जो हैं वो एस यू सी सी ई एस एस, ये लेटर्स हैं। तो कामयाबी डिपेंड करती है सक्सेस के दूसरे लेटर पे, तो सक्सेस का दूसरा लेटर क्या है? यू। यू का मतलब आप, समझ रहे हैं इस लाइन की मीनिंग, कि कामयाबी जो है वो टोटली डिपेंड करती है आपके ऊपर। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप किस अंदाज में मेहनत कर रहे हैं, आप किस वे में मेहनत कर रहे हैं, आप किस क्या बोलते हैं, किस फील्ड के अंदर मेहनत कर रहे हैं, यानी कि सारी बातें डिपेंड करती है यू पर। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आप ही पे डिपेंडेंट है कि किस तरह बनेंगे आप और कितनी मेहनत आप करेंगे। ठीक है जी, बड़ा खूबसूरत सा जुमला है, सक्सेस इज डिपेंड्स ऑन द सेकंड लेटर ऑफ सक्सेस। इसकी हम बनाएंगे टाइपोग्राफी, ठीक है, उसको अरेंज करेंगे। अच्छा, दो तीन मसले। पहला मसला ये है कि थोड़ा साइज छोटा करता हूँ, मैं आपको मसला बताऊँ तो 6, ठीक है, ओके फाइन, हम बाद में बड़ा कर लेंगे, नो इशू। पहला मसला ये कि पूरा एक ही पैरा बना हुआ है या पूरा एक ही सेंटेंस बना हुआ है, लाइन बनी हुई है। पहले तो हमने सबसे पहले राइट क्लिक किया, इसको हम करेंगे क्रिएट आउटलाइंस। क्रिएट आउटलाइंस करने के बाद हम इसको देखें अगर, तो इसको मैंने क्लिक किया। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि ये सब अलग अलग हो जाए, बज़ाहिर तो ये अलग अलग हो गया, देखें सब अलग अलग लेटर सेलेक्ट हुए हैं क्रिएट आउटलाइन के जरिए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक एक लेटर भी अलग अलग इसका हो जाए। तो वो क्या करेंगे आप, तो वो आप करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आप क्या करेंगे जी, इसी को सिलेक्ट करें अगेन और राइट क्लिक करके इसको कर दें अनग्रुप। अब आप देखिए कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कोई एक लेटर सिलेक्ट किया, और इसको देखें आप, ये देखें मेरा लेटर आ गया, बाहर आ गया, इसका लेटर उठाया, ये लेटर बाहर आ गया, ये लेटर उठाया, ये लेटर बाहर आ गया, ठीक है, अलग अलग हो गए। लेकिन हम लेटर्स अलग नहीं करना चाह रहे, मैं चाह रहा हूँ वर्ड बाय वर्ड का ग्रुप हो। तो मैं पहले इस वाले वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, उसको कंट्रोल जी से ग्रुप कर देता हूँ। फिर हमने इस को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी, डिपेंड्स, कंट्रोल जी, और इसका सॉन आगे तक चलेंगे हम। ठीक है, सॉन ना रखो, सॉरी, ये हम ग्रुप बना रहे हैं ताकि हम इसे इजीली अरेंज कर सकें अपनी मर्जी से। अब आप देखें, मैंने एस को पकड़ के खींचा लेकिन एस नहीं आया, पूरा वर्ड आ गया, बेहतरीन हो गया। टाइपोग्राफी की तरफ चलते हैं जी। तो सबसे पहली सक्सेस को मैंने बाहर निकाला, मैंने बताया टाइपोग्राफी क्या है, एक आर्ट है डिज़ाइनिंग का, ग्राफिक्स का एक आर्ट है, कमाल है कि जिसके अंदर आप लेटर्स को
डिफरेंट एंगल से डिफरेंट अंदाज में रखते हैं सेट करके, जो मीनिंग प्रोवाइड करता है, मीनिंगफुल करेक्टर्स, मीनिंगफुल लेटर्स, मीनिंगफुल टेक्स्ट। तो मैंने लिखा सक्सेस इज, ठीक है, सक्सेस बड़ा सा इज छोटा, डिपेंड्स, बहुत सारे अंदाज में आप इसे सेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जैसा मैं सेट कर रहा हूँ आपको भी वैसे ही सेट करना पड़ेगा। नो 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 नो, अपनी मर्जी कीजिएगा सर। सो दिस इज सक्सेस इज डिपेंड्स, डिपेंड्स को मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, बेहतरीन है। सक्सेस इज डिपेंड ऑन द, अब लाइन देखें ऑन नीचे, अब मैं ऑन यहाँ लगाऊंगा ना तो अगेन देखें मीनिंग खत्म हो जाएगी। अब कौन सा वर्ड किसके जरिए कहाँ चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये बन जाएगा सक्सेस इज ऑन डिपेंड, तो ये गड़बड़ हो गई। तो मुझे इसी अंदाज में इसको सेट करना है कि ये लाइन बाय लाइन इसको रीडेबल हो ये। तो मैंने ऑन को यहाँ ला के रखा, ऑन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चले ये यहाँ सेट किया, करीब करते हैं थोड़ा सा फार डिस्टेंस है, सक्सेस इज डिपेंड ऑन द सेकेंड, लेटर ऑफ सिंपल, इतना सा कमाल, थोड़ी सी बात, छोटा सा काम। सक्सेस इज डिपेंड ऑन द सेकेंड लेटर ऑफ सक्सेस, ठीक है जी। सक्सेस इज डिपेंड्स, डिपेंड्स की जगह पे आई थिंक सो डिपेंड होना चाहिए ना, एस नहीं आएगा यहाँ पे बिकॉज वी हैव इज हियर, सो डिपेंड्स एस को हटा के एस हटा दीजिएगा बेशक। खैर हम टाइपोग्राफी की बात कर रहे हैं, मैं ग्रामर नहीं पढ़ा रहा, इसमें ग्रामर की बात नहीं कर रहे हम। सक्सेस इज डिपेंड ऑन द सेकेंड लेटर ऑफ सक्सेस, तो यू को मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि इसके अंदर हम डिनोट यू ही करवाना चाह रहे हैं। तो मैं यू को, इसको पहले अनग्रुप करूँगा, राइट क्लिक अनग्रुप, उसके बाद मैं यू को सिलेक्ट करके इधर अगर मैं यू को इस तरह से बड़ा कर दूँ और फिर मैं इनको सब को थोड़ा सा आगे ले जाएँ इस तरह से, और एस को थोड़ा सा पीछे कर लें, ऑफ को हम हटा लेंगे ऐसे अगर कोई इशू आएगा, अगर इसको हम उठा ही लेते हैं ये ले, ठीक है जी, डन। चलिए ओके, नाउ दिस एस इज ऑल्सो शुड बी हियर विथ सक्सेस, ओके ऑलराइट। ये थोड़ा सा अंदर करना है क्योंकि बाहर हो गया है टेक्स्ट, बेहतरीन है जी। यू को सिलेक्ट करके आप रेड कर दें, थोड़ा सा कलराइज हो जाएगा, इफेक्ट फील करवाएगा वीआईपी। ये देखिए सक्सेस इज डिपेंड ऑन द सेकंड लेटर ऑफ सक्सेस, तो इस तरह से आपकी ये टाइपोग्राफी कहलाती है, कहीं छोटा कहीं बड़ा कहीं कैसा कहीं कैसा। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अच्छा पहले इसको मैं यू कर लेता हूँ, कंट्रोल जी, यू ग्रुप हो गया मेरा, सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा रोटेट करवा देते हैं, हल्का सा यहाँ रख लिया। यहाँ रखने के बाद मैं यहाँ पर कुछ पिक्चर लेकर आना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास एक पिक्चर मौजूद है क्राउन की, क्राउन क्राउन क्राउन, डेस्कटॉप पे क्राउन का शायद, क्राउन दिस इज क्राउन, क्योंकि क्राउन की इमेज बहुत बड़ी है, नो इशू। मैं इस क्राउन को सिलेक्ट करके फिर छोटा कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करके अपनी लेयर पे जाए और हम ये क्राउन को इस तरह से एडजस्ट करके इस रोटेट भी करवा देते हैं। तो कामयाबी सर डिपेंड करती है किस पर, आप पर, यस यू यू जो सुन रहा है, जी हाँ बिल्कुल आप ही की बात कर रहा हूँ जो मेरी बात सुन रहे हैं, कि अगर कामयाबी चाहिए तो सर ये टोटली आप पे डिपेंड करती है कि आप कब कामयाबी, कितनी कामयाबी और कैसी कामयाबी। लेना चाहते हैं या टाइम पास करके सोना चाहते हैं,
टाइम पास करके ज़िंदगियों को गुजारना चाहते हैं या मेहनत करके कुछ बनना और कुछ करना चाहते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। राइट क्लिक किया, अरेंज में गए और सेंड टू बैक। दिस इज सक्सेस। कलर मजे का नहीं लग रहा, थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। लेट मी चेक। या दिस इज गुड, ये बेहतर है मेरे ख्याल में। क्या बोलते हैं आप, है ना? परफेक्ट परफेक्ट। तो ये जनाब टाइपोग्राफी का बिल्कुल बेसिक सा काम मैंने अभी फिलहाल बताया है। बीच के अंदर बहुत कुछ बाकी, टाइपोग्राफी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी क्लासेस हो सकती है। अच्छा, नीचे अपना नाम लिखना चाहें, मैं अपना नाम लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है जी लाएंगे वाली, तो मैं अपना नाम लिख सकता हूँ। मैंने देश लगाया, ये देश जो ये मैंशन करने के लिए अमूमन यूज़ किया जा रहा होता है। माई नेम इज़ महमूद अली और महमूद अली का टेक्स्ट का जो फंड का जो वो है क्या है स्टाइल, उसको चेंज कर लेते हैं मोनो टाइप और सीमा। यस दिस इज, तो भी थोड़ा सा कर्व करते हैं ये, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, बन हो गया। थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेते हैं इसका, हम प्योर कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है जी। थोड़ा सा छोटा कर दें, ये बन गया हमारा। महमूद अली ने ये जुमला गाया है, ठीक है? मतलब जो भी आपका सेंटेंस कोड हो उसको आप अपने नाम से भी कॉल करवा सकते हैं। सो इसको आप रेड कर दें अपने नाम के साथ, क्योंकि यू को रेड किया मैंने, तो अपना नाम भी आप लोग रेड कर सकते हैं। अपना नाम रेड कर दीजिएगा। सो इट्स मीन दैट दैट यू इज़ यू, ठीक है? यानी कि जो आपका नाम है वो यू यू आप ही हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उम्मीद करता हूँ छोटी सी क्लास, बड़ी आसान सी क्लास समझ में आ गई होगी। वरना गूगल कर लीजिएगा कोड्स निकालने के लिए, डिफरेंट लाइन्स निकालने के लिए। जो लाइन पसंद आया उसको डिफरेंट एंगल में, बहुत सिर्फ इसी एक लाइन के अंदर कम से कम भी 20 किस्म के डिफरेंट टाइपोग्राफी के स्टाइल्स बन सकते हैं। मैंने डिपेंड यहाँ रखा है, डिपेंड को आप पीछे कर दें, उनको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले जाएं, इसको यहाँ कर दें, इसको वहाँ कर दें। मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट करवा दिया राइट की तरफ, आप ना करवाएं, आप सीधे स्ट्रेट लिख दें, आप बोतल की शेप में लिख दें। बहुत सारे अंदाज में टाइपोग्राफी की जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।